कुंभ मेले में यूपी सरकार श्रद्धालुओं को देगी विश्व स्तरीय सुविधाएं। त्रिवेणी के घाट पर स्थापित किए जाएंगे स्लीपिंग पॉड्स। आधुनिक स्लीपिंग पॉड्स में आराम कर सकेंगे श्रद्धालु। दर दर भटकने से मिलेगी निजात। आस्था का संगम, भक्ति का सैलाब और दिव्यता की खनक। कुछ ऐसा ही नजारा महाकुंभ 2025 में देखने को मिलने वाला है। महाकुंभ में सनातन संस्कृति की चमक और वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के लिए योगी सरकार पूरी तैयारी में जुटी है। एक तरफ श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आधुनिक तकनीकी की सहायता से महाकुंभ की महिमा का वैश्विक बखान भी किया जाएगा। प्रदेश सरकार का सिस्टम 2025 के महाकुंभ की तैयारी युद्ध स्तर पर कर रही है। श्रद्धालुओं को दी जाने वाली तमाम सुविधाओं की फेहरिस्त में अब स्लीपिंग पॉड्स की सुविधाओं को लेकर भी तैयारी की जा रही है। महाकुंभ में सीएम योगी की मंशा के मुताबिक टेंट सिटी की स्थापना के साथ ही स्लीपिंग पॉड्स भी उपलब्ध कराने पर विचार हो रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रयागराज महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान कर रही है। शहर के अतिरिक्त कुंभ क्षेत्र में श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है। टेंट सिटी के साथ ही पहली बार अत्याधुनिक स्लीपिंग पॉड्स की सुविधा प्रदान किए जाने पर विचार किया जा रहा है। पर्यटन विभाग ने इसके लिए रोड मैप तैयार कर लिया है और अगर सब कुछ सही रहता है तो इस बार श्रद्धालुओं को स्लीपिंग पॉड्स की सुविधा प्रदान की जा सकती है। प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन में स्लीपिंग पॉड्स की सुविधा प्रदान करने के बाद अब कुंभ क्षेत्र में भी श्रद्धालु और पर्यटक विश्व स्तरीय सुविधाओं वाले स्लीपिंग पॉड्स का आनंद ले सकेंगे। प्रयागराज की क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी अपराजिता सिंह का कहना है कि कुंभ क्षेत्र में श्रद्धालुओं के लिए परेड ग्राउंड में परंपरागत टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा अरैल और झूसी में भी पीपीपी मोड पर लग्जरी सुविधाओं वाली दो टेंट सिटी बसाई जा रही है। टेंट सिटी को लेकर पर्यटकों और श्रद्धालुओं का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी के मुताबिक अरैल में 2000 टेंट की क्षमता वाली टेंट सिटी में अभी से ही 1600 टेंट की बुकिंग हो चुकी है। इसमें झूसी में प्रस्तावित दूसरी टेंट सिटी में 400 स्लीपिंग पॉड्स बनाने का रोड मैप तैयार कर लिया गया है। स्लीपिंग पॉड्स बनाने के लिए टेंडर की प्रक्रिया भी चल रही है। उनका कहना है कि पीपीपी मोड पर इनका निर्माण कराने की योजना है। इसके लिए वेंडर्स के प्रस्ताव आए हैं, लेकिन सेफ्टी के सभी मानकों को सुनिश्चित कराने के बाद ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। त्रिवेणी के तट पर बनने वाले इन स्लीपिंग पॉड्स में सभी मानकों को पूरा करते हुए सभी लग्जरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। स्लीपिंग पॉड्स दरअसल एक कैप्सूल के आकार के चैम्बर होंगे, जो सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगे। श्रद्धालुओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ये पॉड्स तैयार किए जाते हैं। पॉड्स में यात्री के आराम से सोने के साथ ही अपने आवश्यक कार्यों को भी पूरा करने की सभी सुविधाएं होती हैं। पूरी तरह वातानुकूलित इन पॉड्स में चार्जिंग और पेयजल की सुविधा भी होती है। पॉड में सुविधा लेने वाले यात्रियों को क्लॉक रूम, रिसेप्शन बूथ, वॉशरूम और हाउस पेंट्री की सुविधा भी प्रदान की जाती है। इसके अलावा ऑफलाइन और ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी शुरू की जा सकती है।